तो फेरन ये बॉक्स में हुंडा का बुलक किट है, हुंडा लिवो का, इसको अनबॉक्स करते हैं। तो फिर बने रहे वीडियो में, देखते क्या क्या देश में। ये आ गया स्टोन हुंडा का, ये रिंग आ गया स्टोन रिंग, कुछ दिया फिटिंग जैसा बजाज में नहीं देता है। ये पिस्टन होगा, ये रिंग, तो अभी इसके अंदर है बुलक किट, मतलब सिलेंडर किट भी बोलते हैं, सिलेंडर किट हम लोग ज्यादातर बुलक बोलते हैं। पैकिंग दिया, दो बक्सा दे दिया इसमें, पैकिंग बहुत अच्छा दिया, बजाज में इतना पैकिंग अच्छा नहीं देता है। कुछ दिन पहले एक लगाए थे, इसका भी वीडियो दिए। ये हो गया सिलेंडर किट, इधर देखा ये जो कंपनी का जो बोर है बहुत ही अच्छा बोर है, सिलेंडर के दिए ये भी दिया। तो फिर देखे साइलेंसर गिस्किट भी दिया, बुलक का जो है बुलक का दो बूस, मतलब ये सिलेंडर का दो बूस भी दिया, गजल पे लॉक ये भी दिया, हम खोलते पिस्टन को, पिस्टन निकल गया, रिंग को भी निकालते, एसटीडी मतलब है फिर स्टैंडर्ड। तो फिर इसमें रिंग डाल देते, ऑयल एक्सपेंडर हो गया स्प्रिंग वाला, तो फिर यहाँ पे बीच में दे दे, अब हो गया ऑयल भी, इस तरह भरते थे इस तरह फंसा देते, इस किनारे पे दे देते, इधर भरते तो ऐसे फंसेगा। तो फिर ऑयलिंग इधर इधर दे दिया, अब हो गया टॉप टू ब्लैक कलर का होगा, दे देते हैं हम साइलेंसर का तरफ दे देते हैं, साइलेंसर का तरफ आ गया टॉप वन, उषा का रिंग दिया, दे देते कार्बोरेटर आयन, आयन आयन मतलब कार्बोरेटर का तरफ रहेगा, रिंग का काम कंप्लीट हो गया। आप क्या करेंगे इसमें इंजन ऑयल दे देंगे और इसमें बैठा देंगे, एक लॉक भी लगाना होगा। तो फिर क्या करेंगे इसमें एक लॉक फंसा देते इसमें, तो फिर एक लॉक फंसा देते पहले इसमें,
उसको फिर पूरा थोड़ा सा वो में बच चुका है अभी। गजल फिर सही था, फिर इसमें इंजन ऑयल दे दे, फट चुका है। क्या करें, कंप्रेसर टॉप वन दे दे, आयन कार्बोरेटर टॉप टू जो है साइलेंसर का तरफ दे दे, और ऑयल रिंग आयन का तरफ एक इस तरफ एक इस तरफ, और ऑयल एक्सपेंडर जो स्प्रिंग वाला रिंग है हम यहीं पे दे दे, नीचे देने से भी चलेगा साइलेंसर का तरफ, कोई दिक्कत नहीं होता है, हम लगाए भी चलता भी है। अभी इसका सबसे जरूरी काम है क्या, इंजन ऑयल डालना है। इंजन ऑयल दे दिया, स्टार्ट करने का बाद साथ ही साथ तो इंजन ऑयल उठता नहीं हो पान, तो पिस्टन विस्टन में सीज होने का थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसका आ जाएगा इंजन ऑयल दे देते ताकि उसका प्रॉब्लम ना हो। अब क्या करेंगे इसमें फंसा देते इसे, तो फ्रेम फंस चुका, पूरा नहीं फंसे हम, इसमें कनेक्टिंग में फंसाना होगा, इसे फंस जाएगा थोड़ा ही करेंगे तो फंस जाएगा, इससे बात नहीं। थोड़ा हिलाते हिलाने के बाद तो फिर ये फंस चुका, ठीक है। तो फिर जो दो बूज दिया हुआ है सिलेंडर में लगाने के लिए, तो फिर ये दो बूझ जाए देखें इस तरफ इस तरह में फिर घाट है, इस तरफ एक फंस जाएगा, ये फंस गया कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा इस तरफ फंस चुका है। तो फिर इसका जो पाई है एमआरपी, इसका जो एमआरपी है फिर इसका एमआरपी दिखा देते हैं, कितना क्या इसका प्राइस कितना है, करीब 3000 का आसपास है, 2868 रुपया दाम है, देखें फिर ऐसे आप क्या करेंगे जो खुलेंगे कनेक्टिंग रॉड में लगा के ऐसे फिट कर देंगे, तो फिर इसका रिंग पिस्टन का काम कंप्लीट होगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड।